फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल मनीफेस्ट ट्रेडिंग। दोस्तों, मार्केट में अच्छा खासे करेक्शन के बाद थोड़ा बहुत मार्केट रिकवर करते हुए दिख रही है, लेकिन काफी ज्यादा वोलेटाइल है मार्केट। ऐसे वोलेटाइल मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग लेना बहुत ही डिफिकल्ट है। ऐसे वीक मार्केट में, ऐसे वोलेटाइल मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। आपको थोड़ा लंबा होराइजन लेके चलना चाहिए। लंबे टाइम के लिए शायद शॉर्ट टर्म 1-3 मंथ्स का आप कंसिडर कर सकते हो, जिसमें आप सेफली अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो, अपने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर सकते हो, स्टॉक को अच्छा खासा मूव होते हुए देख सकते हो, उस मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हो। अब आप कहेंगे सर, मार्केट इतना वोलेटाइल और वीक है और उसमें आप लंबे समय के लिए होल्ड करने के लिए कह रहे हो? क्योंकि ऐसे वीक और वोलेटाइल मार्केट में भी हमेशा कुछ ना कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करते हैं, कुछ ना कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो अच्छा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देते हैं और उनमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है। तो आज के इस वीडियो में ऐसे एक सेक्टर और उसके एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इसमें डिस्कस किए गए हैं जो अक्सर बिगनर्स इग्नोर कर देते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स हैं, बारीकियां हैं उन कॉन्सेप्ट्स की, जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। बिना कोई वक्त कि आगे बढ़ते हैं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। स्टॉक मार्केट में नए हैं या फिर आप अपना सेकंड डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो, जो कि हर किसी के लिए जरूरी है, तो आप हमारे लिंक के थ्रू अपस्टॉक्स में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अपस्टॉक्स इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्काउंट ब्रोकर है, जहां आपको लोएस्ट ब्रोकरेज के साथ फर्स्ट 30 डेज के लिए ब्रोकरेज अप टू 1000 रुपीज तक फ्री मिलेगा। अपस्टॉक्स में आप इक्विटीज, डेरिवेटिव्स और म्यूचुअल फंड्स में आसानी से इन्वेस्ट या ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे एडवांस फीचर्स के साथ उसने अपना नया रिवैम्प ऐप लॉन्च किया है। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट है कि अपस्टॉक्स में क्यों डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि अपस्टॉक्स इज बैक्ड बाय नन अदर देन टाटा ग्रुप एंड रतन टाटा हिमसेल्फ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट जरूर ओपन। स्टॉक के बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टॉक का नाम है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। इसका मंथली चार्ट लगाया है मैंने आपके रेफरेंस के लिए। आप देख सकते हो मंथली चार्ट में कितना ब्यूटीफुल सेटअप बना है। ये कोविड का क्रैश है, उसके बाद से लगातार इसमें हायर हाइस बनते जा रहे हैं। आप देख सकते हो किस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है इसका, लगातार हायर हाइस बनते जा रहे हैं। यहाँ पे ये इस मंथ की कैंडल है सितंबर मंथ की, जो कि सिर्फ एक हफ्ता हुआ है, पूरी तरह फॉर्म हुआ नहीं है। तो ये वाला जो है ये हाई अभी बना है या हाई फॉर्मेशन में है, यहाँ से और ऊपर जाएगा या यहीं से थोड़ा रिट्रेस करेगा वो देखने वाली बात है, बट फिलहाल इतना तो क्लियरली विजिबल है, एक हायर हाई बनाते जा रहा है लगातार। इसके अलावा आप RSI पे नजर डाल सकते हो। RSI 68 की है मंथली पे, जो कि दिखा रहा है स्टॉक में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है इन द लॉन्ग रन। और आप लगातार देख सकते हो स्टॉक जब जब इसमें डिप ले रहा है, हायर लोस बनाते जा रहा है, तब वो स्टॉक 60 के लेवल से RSI बाउंस बैक कर रहा है लगातार। आप देख सकते हो 60 का RSI इसके लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, बार बार 60 के लेवल से ये बाउंस बैक कर रहा है। ओवरऑल स्टॉक में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिख रहा है, स्ट्रेंथ है मंथली टाइम फ्रेम पे। वीकली पे चेक कर लेते हैं। अब वीकली में मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, वीकली में भी वो अप ट्रेंड क्लियरली यहाँ पे आपको दिख रहा है। और यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत लोगों को पता ही नहीं है, पता होगा तो भी इग्नोर करते हैं इन छोटी छोटी चीजों को। स्टॉक मार्केट में यही छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव हो सकती है, अगर आप इस पे फोकस करें। अब कितने लोग ट्रेंड लाइन के बारे में जानते हैं? आई एम श्योर ट्रेंड लाइन बनाना तो सबको आता है, सबको पता है यहाँ पे ट्रेंड लाइन का टूल होता है, सिर्फ बस लाइन ड्रॉ करना है, सिर्फ इतना ही पता। ट्रेंड लाइन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अगर आपको नहीं पता है, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको पता है कि नहीं आप खुद ही आइडेंटिफाई करिएगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता, आपको सीखना है, तो मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ट्रेंड लाइन के बारे में, उसको जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसमें छोटी छोटी बारीकियां है ट्रेंड लाइन के बारे में, मैंने उसमें बताई है कैसे आपको डिसाइड करना है ट्रेंड लाइन परफेक्ट है, वैलिडेट करना है, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिस पे आप कैसे ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हो उसको समझ सकते हो। आप यहाँ पे देख रहे हो एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन मैंने बनाया, और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की जरूरत है। यहाँ पे ये नंबर 1 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे ये नंबर 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ठीक है। तो 2 कॉन्टेक्ट मिल गए, तो मतलब एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट की जरूरत है। उस तरीके से ट्रेंड लाइन के लिए 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो यहाँ पे हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब तीसरी बार जब स्टॉक यहाँ पे विजिट करता है, ये थर्ड टाइम, तब हमारा जाके ये ट्रेंड लाइन वैलिडेट होता है। ट्रेंड लाइन तो हमने ऐसे ही बना दिया, बट क्या वो ट्रेंड लाइन जस्टिफाइड है और वैलिडेटेड है? तीसरी बार जब स्टॉक लेवल पे आया है तो इस ट्रेंड लाइन को वैलिडेट किया है उसने, क्योंकि यहाँ से स्टॉक ने ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट दिया है और यहाँ से आपने आप देख रहे हो यहाँ से आपको एक अपसाइड देखने मिली है। तो ये वैलिडेट कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को, यहाँ से एक अपसाइड आपको इमिनेंट देखने मिला है। तो ये ट्रेंड लाइन जस्टिफाइड है और ट्रेंड लाइन वैलिडेटेड है। अब मेरे उस ट्रेंड लाइन वाले वीडियो में मैंने जस्टिफाई किया है, क्लियरली आपको ये कंसेप्ट बताया है कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, वो वैलिडेट या जस्टिफाई करने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट चाहिए। तो मतलब 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बाद ये ट्रेंड लाइन वैलिडेट हुआ, तो जब ट्रेंड लाइन वैलिडेट हुआ तो ये ट्रेंड भी
कंसोलिडेट हुआ, मतलब ये ट्रेंड की शुरुआत ही है अभी, ये ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है। अभी आप कहेंगे यहाँ से यहाँ तक सर मूव कर गया, अब तो ये खत्म हो गया, कभी भी गिर सकता है। ये बेसिकली ट्रेंड लाइन ही अभी वैलिडेट हुआ है या इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, तो यहाँ से कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट दिया नहीं है इसने, पूरा का पूरे ट्रेंड को भी अभी वैलिडेट किया है इसने, तो यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड मूव बाकी है और लंबा मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द लॉन्ग रन, तो आपको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही छोटी छोटी चीजें है, बारीकियां है ये टेक्निकल एनालिसिस की, ट्रेंड लाइन की, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इन चीजों पे लोग फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब ये क्लियरली आपको दिख रहा है ट्रेंड लाइन वैलिडेट हो गया, ट्रेंड लाइन के हिसाब से रिस्पेक्ट करते हुए मूव कर रहा है अप ट्रेंड में। यहाँ पे ये उसका पहला हाई बनाया उसने, फिर हायर हाई बनाया, फिर दोबारा हायर हाई बनाया, अब ये दोबारा हायर हाई बना रहा है। मंथली में हमें दिख रहा था, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, राइट। फर्स्ट वीक की कैंडल है कंप्लीट हो गई, सेकंड वीक की कैंडल इसके ऊपर जाएगी या यहीं से रिट्रेस कर जाएगी, ये आने वाला सब वक्त बताएगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन मार्केट वीक रहती है कि नहीं, ये ब्रॉडर मार्केट कैसा है, रिएक्ट करती है। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये बेसिकली हो सकता है यहाँ से रिट्रेस भी कर जाए, देयर आर चांसेस ब्रॉडर मार्केट वीक रही तो रिट्रेस भी कर सकता है, बट जो मुझे लगता है ये अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये जो है ये जोन है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये अपने पिछले हाई को तोड़ने के बाद उसके ऊपर ही सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर एक्युमुलेशन हो रहा है, सस्टेन कर रहा है, ताकि ये दोबारा वापस ऊपर जाने की तैयारी कर सका। तो अगर वीकनेस बनी रहती है तो हो सकता है इस जोन में फंसा रहे स्टॉक, इस जोन में फंसा रहे, या अगर ज्यादा वीकनेस रही तो हो सकता है थोड़ा नीचे गिरे भी, पॉसिबिलिटी दोनों ही चीज की है, कोई भी चीज रूल्ड आउट नहीं की जा सकती। लेकिन जहां तक मुझे लगता है इससे नीचे नहीं जाएगा, इस जोन से अगर जाएगा भी तो दोबारा जल्दी बाउंस बैक करेगा, पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि यहाँ से ये बाउंस बैक ही करेगा ऊपर की तरफ, बस ये तैयार हो रहा है, वीक होगा तो इस जोन में ही फंसा होगा, यही कंसोलिडेट करेगा, आने वाले दिनों में ये अपसाइड दिखाएगा आपको, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अगर आप मुझसे किसी भी तरीके से कॉन्टेक्ट या कम्युनिकेट करना चाहते हो, चाहे वो किसी भी क्वेरी के कारण हो, चाहे वो स्टॉक रिलेटेड, कंसेप्ट रिलेटेड, या फिर हमारे किसी कॉल्स के रिलेटेड, या फिर कोई सजेशन या फीडबैक है, तो जरूर आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम पे आप मुझे @trading_professor पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, पिंग कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, और ट्विटर पे @manifestecapital पे आप ट्वीट कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपके सारे क्वेरीज को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, दोस्तों जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश। डेली पे ऑब्जर्व करते हैं, अब वही चीज ज्यादा जूम इन होकर आपको डेली चार्ट पे दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है। आप देख सकते हो स्टॉक प्राइस ने दो बार इस जोन में सपोर्ट लिया है, दो बार सपोर्ट लिया और उसके बाद अब सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वीकनेस थी, इसलिए आप देख सकते हो एक रेड कैंडल आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, काइंड ऑफ शूटिंग स्टार आपको दिख रहा है यहाँ पे। बट आने वाले दिनों में अगर वीकनेस रहती है तो डेफिनेटली स्टॉक यहीं पे सस्टेन कर सकता है, कोशिश कर सकता है और उसके बाद एक अपसाइड दिखा सकता है। सवाल आता है कि यहाँ पे एंट्री कहाँ करनी चाहिए, जैसा कि आपने मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखा था लगातार 60 के ऊपर RSI है, यहाँ पे भी 65 है, हो सकता है अगर वीकनेस रही भी तो 60 के लेवल तक आ सकता है RSI, वहां से बाउंस बैक कर सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, पैनिक नहीं होना है। अब यहाँ पे एंट्री कहाँ की जा सकती है, ये वाली जो कैंडल है इसका जो हाई है ये 801 का हाई है, इसके हाई के ऊपर मैं चाहूंगा कि आप लोग एंट्री करें। अगर आप लोग एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं है तो आप मार्केट ब्रॉडर मार्केट ऐसे रिएक्ट कर रही हो, देखे उसकी वीकनेस है तो आपको इस जोन में स्टॉक मिल सकता है, तो आप यहाँ पे एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस लेवल पे आप एक्यूमुलेट करोगे थोड़ा और लोअर लेवल पे मिल जाएगा, ये आपके लिए एक अच्छा लेवल हो सकता है बाइंग के लिए। अगर आप रिस्क टेकर हो, अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर समझते हो, उसको आप पहचान सकते हो, आपको लग रहा है चार्ट स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसमें डायरेक्टली इसमें एंटर कर सकते हो, या फिर अगर आप एकदम ही सेफ रहना चाहते हो, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो, जब ट्रेंड स्ट्रॉन्ग हो तभी एंटर करना चाहते हो, तो आप इस लेवल के ऊपर एंट्री कर सकते हो जो कि है 801। तो 801 के ऊपर जब स्टॉक क्लोजिंग दे दे तो आप इसमें एंट्री करने की सोच सकते हो, ये आपके लिए अच्छा एंट्री लेवल होगा, सबसे सेफ एंट्री लेवल होगा। स्टॉप लॉस आप इस जोन के नीचे रख सकते हो। अब यहाँ से सवाल आता है कि टारगेट कितने हो सकते हैं। टारगेट दोस्तों, टारगेट दिखाने के लिए मैं आपको एक चार्ट के आपको मैं आवरली टाइम फ्रेम पे लेके जाना चाहूंगा, 1 आवरली टाइम फ्रेम। अब इस 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप चेक करो, अब मैं आपको सारी ड्राइंग हटा के दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये 1 आवरली टाइम फ्रेम है, और 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे लगातार स्टॉक एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इस लेवल पे, ठीक है, और ये उसका एक सपोर्ट लेवल हुआ है 1 आवरली टाइम फ्रेम पे। आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक की जो एक रैली थी, ये रैली के बाद एक पॉज लिया है स्टॉक ने। कभी भी इतनी अच्छी लंबी रैली के बाद एक पॉज ले रहा है, इसका मतलब ये आने वाले दोबारा एक रैली होने की चांसेस है और उसकी तैयारी कर रहा है, क्योंकि आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर एक अच्छा
सेक्टर हो सकता है स्ट्रॉन्ग सेक्टर हो सकता है परफॉर्म कर सकता है परफॉर्मिंग सेक्टर हो सकता है, तो उस सेक्टर का ये स्टॉक है और उस तरीके का अच्छा स्ट्रक्चर भी दे रहा है जो उसके साथ सिंक्रोनाइज हो रहा है, तो डेफिनेटली हमें स्टॉक को कंसिडर करना चाहिए। हो सकता है स्टॉक यहाँ से दोबारा यहाँ तक आए और दोबारा फिर जम मारे या फिर यहीं से बाउंस बैक करे, दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद है, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए स्ट्रक्चर, ओवरऑल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए इसमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। ये लेवल 801 के ऊपर आप इजीली इसमें एंटर करने की सोच सकते हो, बहुत ही अच्छे लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। अब सवाल आता है यहाँ से टारगेट कितना हम कंसीडर कर सकते हैं अगर ये ब्रेकआउट देता है तो 801 के अगर ऊपर हम एंट्री करते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये देखना चाहिए ये स्टॉक यहाँ से मिनिमम एक अच्छा रैली दे सकता है, कितना रैली दे सकता है वो कोई भी एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट एज अ ट्रेडर आपको 10-15% एम करना है मिनिमम। 10-15% को एम करने के बाद आप अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करेंगे, आपका स्टॉप लॉस को आप ऊपर ले जाएंगे या तो पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कर देंगे और इसको ट्रेल करते रह सकते हो। तो मिनिमम 10-15% का प्रॉफिट आपको सिक्योर करना है, उसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए और इस स्टॉक को कंसिडर कीजिए। आप भी अपनी खुद की एनालिसिस जरूर करें स्टॉक के बारे में, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या आपकी एनालिसिस बोलती है, जरूर मुझसे शेयर कीजिएगा। इसके अलावा स्टॉक में एंटर करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, खुद की एनालिसिस जरूर करें, वरना स्टॉक को आप वॉचलिस्ट में रख के ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आने वाले दिन में ये कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, कैसा परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा और कोई भी सजेशन या फीडबैक है तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, वरना आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली नहीं मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।